हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त और मेरी भांजी दीवी वेलकम करते हैं आपका नया व्लॉग में। पिछले वाला व्लॉग आपने देखा है कि नहीं देखा मुझे पता नहीं, क्योंकि उस व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं अपनी बेबी से मिलने आया हूँ। ये रही मेरी बेबी, हाय करो। यो, हाय कर। अभी क्या सामने से धूप पड़ रही है ना, इसके लिए अभी कुछ मतलब आग भी नहीं खुल रही है ना। तो अभी मैं मतलब नया भी नहीं हूँ, अभी जस्ट वो व्लॉग खत्म करके अभी ये व्लॉग चालू किया हूँ। तो अभी मैं जस्ट फ्रेश होऊंगा, फ्रेश वेश होके नहा के अभी जीजू के साथ जाऊंगा। जीजू मतलब मुझे बस स्टॉप पे छोड़ देंगे, वहां से बस पकड़ के डायरेक्ट अपने गाँव में जाऊंगा मैं। और एक बेबी तो ये है और मतलब दो शैतान और है मेरे लाइफ में, मतलब दो शैतान। अभी आज 17 दिसंबर है, 17 जनवरी मतलब ठीक एक महीने बाद वो दो शैतान भी आने वाले कहीं से, तो उनको रिसीव करने जाऊंगा तब भी व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्योंकि बच्चे मन के सच्चे इसके लिए है ना। अभी चले चलो चलो रोडवेज में बैठना। रोडवेज मतलब रोडवेज बस। ठीक है, मेरे को मतलब जीजू ने छोड़ दिया इधर बस स्टॉप पर। थैंक यू उत्तम भैया, मिलते फिर कल। कल मिलते, थोड़ा कल मचा दे। चलो जीजू भाई मिलते। कहाँ से मिले? रोडवेज। रोडवेज ये सामने है। ये सामने वाली है गवर्नमेंट बस। अरे गवर्नमेंट बस में ना, ठीक है चलो। रोडवेज, रोडवेज बस क्या मालूम किधर की बस है। अभी सबको पूछता हूँ राजनगर में जाने वाली कौन सी बस है, मतलब रोडवेज यहाँ की मतलब BST बस है बेसिकली। सबको पूछा राजनगर जाने वाली बस कहाँ से आएगी, तो सब लोग ने बोला यहाँ से आएगी। आप यही सोचते होंगे कि मैं ये जैकेट क्यों पहन रहा हूँ, क्योंकि मतलब अभी भी थोड़ी ठंडी है, मतलब धूप ज़्यादा है मगर तो भी ठंडी भी है, 20 डिग्री है। ठीक है चलेगा, अभी मतलब अभी आधे एक घंटे के बाद ये जैकेट निकालना पड़ेगा, धूप और बढ़ जाएगी। मैं बैठ चुका हूँ बस में, बट दिस इज नॉट दी रोडवेज बस, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट बस नहीं है, प्राइवेट बस है। यहाँ के अंकल ने बोला कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 5-10 रुपये का ही फ़र्क रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, क्योंकि वो बस आ रही नहीं है, वो दो बस गई तो बोलते नाथवारा है, बट ये नाथवारा से चेंज करना पड़ेगा कि नहीं पता नहीं। जो आ रहे हैं उनसे पूछेंगे, जो ड्राइवर हैं इधर के या फिर जो कोई भी रहेगा यहाँ के, वो आपको पूछते उनको पूछते ये बस कहाँ तक जाएगी। नाथवारा तक जाएगी तो ठीक है, नाथवारा से चेंज करना पड़ेगा अपनी। और क्या हमको मिल गए भाई हैदराबाद के भाई, हैदराबाद के भाई क्या नाम है प्रकाश भाई, मिल गए हैदराबाद के। तो ये भी मुंबई से अंधेरी में ही रहते, अपन भांडुप में रहते तो अंधेरी में भी भाई मिल जाते हैं। सब वर्ल्ड इज सो स्मॉल। तो अभी हम लोग इधर ये तो इधर ही जा रहे हैं बस, इधर इनका एक लिंजी इधर ही है, मेरा बस थोड़ा लंबा है। प्राइवेट बस पकड़ लेना अच्छा हुआ, क्योंकि BST का वेट करते रहे ना, अभी तक BST भी नहीं आ रही है, और BST आ रही है तो फुल आ रही है। अभी वो बस वाले ने मेरे को क्या बोला क्या मालूम, तो पता नहीं मेरे को अभी इतना गुस्सा आ रहा ना उसके ऊपर। पैसा लिया 50 रुपया, बोला कि कांकरोली छोड़ेगा, बट बोलते नाथवारा से वो सामने बस है उसमें चले जाओ। मतलब मैं भी नींद में था तो मैं ज्यादा कुछ बोला ही नहीं, होश में रहता था अभी, तो मेरे को नींद आ गई थी तो मैं सो गया था आधा घंटा उसमें बस में। आज में कौन बैठा क्या मालूम, सीरियसली यार हद हद। मतलब इतना बनाया ना मेरे को, ऐसा बना लिया गाँव में, खुद के गाँव में ऐसा बना रहे हैं। कोई नहीं, अभी राजनगर की बस है, राजनगर को उतारेगा तो राजनगर से मैं डायरेक्ट वो जो पति जो उसके घर पे चले जाऊंगा। भूख तो बहुत लगी है, मगर मैं सोच रहा हूँ राजसमंद जाके करूँ नाश्ता। यहाँ पे भी है सामने लारी, दाल बाटी है यहाँ पर, वहाँ पे फाफड़ा जलेबी और सब है। भैया कुल्लड़ में देना, कुल्लड़ वाली चाय पिया जाए तब तक टाइम पास हो जाएगा। चलो यार राजनगर, ये हमारे ड्राइवर है, ये हमको पहुँचाएंगे राजनगर। राजनगर कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर का राजनगर। गाँव फाइनली सुबह 10 बजे निकला था उदयपुर से, और अभी 1 बज रहा है। 3 घंटा लगा उदयपुर से मेरे को रात समझ आने के लिए, बट वो बस वाले की वजह से पता नहीं सब बस वाले मेरे को ऐसे ही क्यों मिल रहे हैं। चलो कोई नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा भांजा लेने आया। हाँ भांजा लेने आया, इसके घर पर जा रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो गए, जो काम के लिए राजस्थान आया था वो काम पहले करता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। मुझे तो भाई बहुत जोर की भूख लगी है, तो मैं आ गया इधर। ये मेरा फेवरेट है यहाँ पर कड़ी, और ये और सामने और कुछ पापड़ा वो सब मैंने बोला और ले ले, क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे अभी पापड़ा जलेबी आ गया हमारा, आयो एक एक प्लेट सब हो चुका है। अभी वो सामने आलू वड़ा जो है वो भैया वो हम लोग ने बोला गर्मा गर्म, हम लोग ने बोला हाँ कड़क करना गर्मा गर्म, तो हमारे लिए वो बना रहे अभी।
इसको देखेगी नहीं, पहले वाले व्लॉग में देखेगी नहीं, इसको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट व्लॉग है, व्लॉग हम जीरो सब समझ में आ रहा है। हमारा छोटा सा आलू वड़ा आ चुका है, गर्म गर्म। क्या बोलती बंटा है, क्या बोलते बंटा है? बोले नहीं, पब्लिक पब्लिक बोल, पब्लिक 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 आवाज करो, आवाज करो पब्लिक, आवाज करो। बमाए तो बोल, बमाए बमाए बोल, बमाए 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 हाँ बमाए बमाए बमाए। क्या बोलती बमाए? बम्बोरी भाषा है, पहले हिखा है वनी तुमने। जो आपने अभी वीडियो देखा, वो वीडियो दिखाने का मोटिव मेरा यही था सिर्फ, टाइम फ्लाइज, टाइम कैसे चला जाता है किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा नहीं लग रहा था बुआ को ऐसा देखकर, कोई नहीं अभी टाइम के साथ चलना पड़ता है, टाइम के साथ चलना पड़ता है। तो अभी टाइम बता रहा हूँ मैं कि टाइम हो रहा है 2:49 और मेरा आवाज यहाँ पर प्री वेडिंग चालू है, यहाँ पर जैसे कि प्री वेडिंग चालू है, यहाँ पर हर राजस्थान हर गली में प्री वेडिंग चालू रहती है। तो वही बता रहा था 2:49, जो काम के लिए मैं आया था वही काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे भाई भांजे भतीजा जो भी है इसके साथ। हम लोग का सब काम हो चुका है, अभी हम लोग आए यहाँ पर चाय पीने के लिए, चाय पियेंगे फिर घर पे निकल जाएंगे। मेरे घर पे जाना है तो मेरे को घर पे रात तक छोड़ देगा ना, रात को 8 बजे तक छोड़ेगा। गाइस हम लोग तो अभी मतलब ऐसे ही बैठे हैं, चाय वाय पी लिए, अभी टेम्पो में मतलब हम लोग का मतलब भाई का एरिया है ना, भाई का एरिया ना, इलाका मतलब इलाका है इनका, इलाका है। तो हम ऐसे ही बैठे हैं मतलब टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर जो ठेला है सामने वाला ठेला अपने भाई की है। कितना चाय पिएगा? चाय के तो शौकीन है नशे। देखो ये भाई आए और चाय मंगा रहे, और दया कर दे, मेरी दया सी आई डी की महीना है, कुछ तो गड़बड़ है। चाय आप बना रहे हो क्या? हाँ जल्दी जा, हाँ, हाँ, मत कर। हम लोग अभी निकल पड़े हैं घर के लिए और अभी ठंडी होना चालू हो चुकी है, ये बार बार देख रहा है कि मैं वीडियो क्यों चालू कर रहा हूँ। अरे बंद करें, बोल रहे पब्लिक देख रही है। अरे पब्लिक देख रही है तो अपने को क्या करना है, अपन तो वीडियो बना रहे ना। वो मेरी दीदी है, ये उसका लड़का है, तो बेसिकली मैं इसका मामा होता हूँ। आज रोटी नहीं खाओ, चल चला मुजाहिर लवाने। अरे भूखो कोई बहाने खा ले नी। यहाँ पे हमारे लिए खाना लेके आया है, सेव टमाटर की सब्जी, वहाँ पे दीदी रोटी बनाई है, मेथी की रोटी। गाइस हम लोग खाना खा के निकले, बाद में बस स्टैंड पे हम लोग जिधर 4-5 बजे बैठे थे तो वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे, तो अभी मोमोज खाने का मन हुआ है, अभी मोमोज खाने जा रहे हैं। चिकन मोमोज, चिकन नहीं पनीर मोमोज। अभी टाइम हो रहा है 9:37, ये बोलता है हाँ चालू हो गया। अभी जा रहे मेरे घर पे, मेरे को पहले चाबी लेना अपने चाचा के यहाँ पे, अभी यहाँ पे कुछ तो ट्रैफिक जाम हो गया, क्या होगा क्या हो, देख लो इधर गाड़ी बंद हो गई। रास्ता पूरा सुनसान है, तो सब लोग बोल रहे थे इतना लेट क्यों जा रहे, इतना लेट क्यों जा रहे, मगर मजा आ रहा है, रात को जा रहे और मजा मा कसम आराम हो भैया, तो बोलता ले मजा ले। नहीं दिख रहा है यहाँ पर सामने कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा लाइट वाइट आईफोन। ओके गाइस सो मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर पे, सुबह से भागा दौड़ी के वजह से मैं थक गया हूँ। जो 2 दिन का फुटेज मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ लैपटॉप में, मतलब अभी बाहर इतना ठंडा है तो मतलब 2 सेकंड में उधर बीच में से आया ना, अभी जिधर से हम लोग ने थोड़ा सा जंगल एरिया था तो इसके लिए वापस ठंडी थोड़ी ज्यादा थी, तो ऐसा ठंडा ठंडा अगर नाक से गया तो समझ सकते ठंडी हो गई, मेरे सर्दी हो गई। बस सुबह देखते हैं 5-6 बजे, इसको 6 बजे उठे जाना है, लेट्स सी सुबह क्या होता है। अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कैसा लग रहा है। चलो गुड नाइट।